नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन। बिहार में लहरिया कट मारना पड़ सकता है महंगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। सहारा में फंसा पैसा पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी। बिहार में 12 ट्रैफिक शहरों में बंद होगा मैनुअल चालान। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, पर अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो बता दें कि आज यानी कि 20 जुलाई आवेदन करने का अंतिम दिन है। ऐसे में अगर समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं किया जाता है तो आप इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। मालूम हो कि इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 20 जून 2023 से शुरू हो गई थी। वहीं इस परीक्षा से कुल 21,391 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो किसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 12वीं पास होना अनिवार्य है। बिहार में लहरिया कट मारना पड़ सकता है महंगा। अब राज्य में वैसे वाहन चालक जो लहरिया कट मारते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अब ऐसे वाहन चालकों को न केवल जुर्माना देना होगा बल्कि मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द भी किया जा सकता है। बता दें कि इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों के DM, SSP, SP को निर्देश दे दिया गया है। इन सबके अलावा उन चालकों की भी सूची तैयार की जा रही है जो सड़कों पर आए दिन लहरिया कट वाहन चलाए पाए जाते हैं। बता दें कि परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने से और जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की। उन्हें 40 और 50 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है और साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले मुख्य अभिनेता भी माने जाते हैं। चरित्र अभिनेता के रूप में लंबे और बेहद सफल करियर का आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले पहले स्टार भी बन गए। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म भूषण भी मिला। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा 1966 में प्रदर्शित फिल्म अफसाना के लिए वह सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजे गए। इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया बंगाल प्रेसिडेंसी में भागलपुर में हुआ था जो अब बिहार में है। सहारा में फंसा पैसा पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरूरी। सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिन्होंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए सहारा के पास जमा किया था वह आपको रिटर्न मिलने वाला है। हालांकि इस पैसे को पाने के लिए निवेशकों को mocreefund.crcs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी। बता दें क्लेम सक्सेसफुल वेरीफाई होने की तारीख से 45 दिनों के बाद रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिनमें नाम और पते से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी के साथ अपना सदस्यता नंबर यानी वो नंबर जो सहारा में निवेश के वक्त आपको दिया गया था, जमा खाता संख्या यानी वो अकाउंट नंबर जिसमें आपका पैसा निवेश किया गया, आपका मोबाइल नंबर, लेकिन ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसी तरह जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक को भी अपने साथ जरूर रखें और अगर क्लेम की जाने वाली राशि 50,000 से ज्यादा है तो इसके लिए पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। सिमुलतला विद्यालय में 11वीं में दाखिले की आवेदन तिथि बढ़ी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन लेने के लिए आवेदन नहीं किया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से इन छात्रों को आवेदन करने के लिए एक और मौका दिया गया है। दरअसल बिहार बोर्ड की ओर से सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके अनुसार अब छात्र 24 जुलाई 2023 तक बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर
सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 24 जुलाई 2023 तक विस्तारित की गई है। इस बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए परीक्षा शुल्क करने हेतु दिनांक 24 जुलाई 2023 तक तिथि विस्तारित की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के तहत कई अनुदान दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत रोजगार सृजन अनुदान के रूप में प्रति कर्मचारी के लिए प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपए तक दिए जाते हैं, तो वही पावर अनुदान के रूप में 2 रुपए प्रति यूनिट, पूंजीगत अनुदान के रूप में प्लांट एंड मशीनरी लागत का 15% और अधिकतम 10 करोड़ रुपए, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक, पेटेंट अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए और कौशल विकास अनुदान के रूप में 20,000 रुपए प्रति कर्मचारी दिए जाते हैं। इसके साथ ही SGST प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क पर 100% छूट दिया जाता है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.state.bihar.gov.in/industries पर जाकर देख सकते हैं या फिर 1800-3456214 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में 12 ट्रैफिक शहरों में बंद होगा मैनुअल चालान। राज्य के 12 ट्रैफिक शहरों में अगस्त से मैनुअल चालान बंद हो जाएंगे, यानी कि अब इन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक चालान ही काटे जाएंगे, जिसमें वाहन चालक को जुर्माना रसीद के रूप में नहीं दिया जाएगा, जबकि ऑटो जनरेटेड चालान के रूप में दिया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से संबंधित तस्वीर भी रहेगी। इसके साथ ही यह चालान वाहन मालिक ऑनलाइन भी देख सकेंगे। मालूम हो कि वर्तमान में ई चालान की व्यवस्था बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में मार्च अप्रैल माह से शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार शरीफ में इसका ट्रायल चल रहा है और कुछ स्थान ऐसे भी है जहां इसकी व्यवस्था की जा रही है, जिनमें भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। बीएसएससी सीजीएल पीटी रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। बीते दिन बुधवार को पटना हाई कोर्ट में बीएसएससी सीजीएल तीसरी की दूसरी और तीसरी पाली की प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई की गई। बता दें कि हाई कोर्ट में बीएसएससी परीक्षा को लेकर 2 मामले सीडब्ल्यूजेसी 2376 और सीडब्ल्यूजेएस 5808 चल रहा है। ऐसे में इससे पहले सीडब्ल्यूजेसी 5808 के मामले में 5 जुलाई को सुनवाई की गई थी और आयोग को 19 जुलाई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आयोग के द्वारा जवाब दायर नहीं किया गया। बता दें कि अब इस मामले पर 24 जुलाई को आयोग को लिखित जवाब देना होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोर्ट से द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द किया जाएगा और प्रदेश के 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग को मिलता है इस योजना का लाभ। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम बिहार निःशक्तता पेंशन योजना है, जिससे उन लोगों को लाभ मिलता है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग हो। बता दें कि इस योजना के तहत किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को 400 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति विहित प्रपत्र में 2 प्रतियों में आवेदन प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करें। बता दें कि इस योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या फिर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1800-3456262 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के 43 कॉलेजों की संबद्धता खतरे में। राज्य के 43 कॉलेज ऐसे हैं जहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों के गायब मिलने के कारण उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि इनकी संबद्धता खतरे में है। बता दें कि इन कॉलेजों को संबद्धता खत्म करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। मालूम हो कि ये 83 कॉलेज राज्य के 6 विश्वविद्यालय में आते हैं, जिनमें वीर कुंवर सिंह, तिलका मांझी, भागलपुर वीवी, BN मंडल मधेपुरा, ललित नारायण मिथिला वीवी, मुंगेर वीवी और पूर्णिया वीवी के नाम शामिल है। अब नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि इन कॉलेजों के द्वारा प्रतिदिन की शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट भी नहीं भेजी जा रही थी, जबकि इस संबंध में विभाग के द्वारा साफ तौर पर सभी को निर्देश दिया गया था। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर के बारे में। इस्कॉन मंदिर पटना, जिसे श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर के रूप में जाना जाता है, पटना के बुद्ध मार्ग में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक श्रद्धेय मंदिर है। यह
यह 108 फुट लंबा बहुमंजिला मंदिर 84 स्तंभों द्वारा समर्थित है और 2 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थापना की आधारशिला वर्ष 1984 में रखी गई थी। मंदिर की दीवारें नक्काशी और अलंकरण की उत्कृष्ट शैली से सुशोभित है, जो श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती है। मंदिर में सुबह की आरती 4:30 बजे की जाती है तथा दिन भर में कुल 7 बार आरती होती है। इसके बाद नियमित रूप से भक्तों के लिए कई भक्ति व्याख्यान और संबोधन किए जाते हैं। इस मंदिर परिसर में एक ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र, एक सभागार, एक गेस्ट हाउस और कई अन्य बहुउद्देशीय हॉल परिसर का हिस्सा है। अब कक्षा 1 से 12वीं तक के किताबों का पाए ई कंटेंट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों को एक तोहफा दिया गया है। दरअसल अब कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी किताबों का आप ई कंटेंट पा सकते हैं। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सभी शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना द्वारा प्रकाशित वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12वीं तक के सभी विषयों की पुस्तकों का ई कंटेंट vepclots.bihar.gov.in एवं scert.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। SMS लिंक पर जाकर उक्त विषय की सामग्री का अवलोकन अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है। बिहार में बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को गर्मी सताने लगी है। बता दें कि बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में अब बारिश से मौसम विभाग ने इनकार किया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार थे, लेकिन अब प्रदेश में बारिश की तमाम संभावनाओं से इनकार कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावनाओं से इनकार किया गया है। बता दें कि बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 23 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है और न ही बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के वोटर लिस्ट में पाई गई बड़ी गड़बड़ी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से आयोग के द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए आयोग घर घर सर्वे करवा रही है और वोटर लिस्ट के हिसाब से लोगों का मिलान कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग की मतदाता सूची में 35,000 वोटर का नाम ऐसा है जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, लेकिन सर्वे के दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इन 35,000 लोगों में से 14,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। वहीं 4,000 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी उम्र के दावे में सच्चाई नहीं थी। ऐसे में अब आयोग की ओर से सर्वे के बाद 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 17,000 निर्धारित की गई है। फर्जी लोन ऐप्स को लेकर RBI ने जारी किया नया नियम। फर्जी लोन ऐप्स को लेकर RBI के द्वारा एक नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कि अब फर्जी लोन ऐप्स लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। बता दें कि RBI के द्वारा तैयार किए जा रहे सिस्टम के तहत अब जो ऐप बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम से नहीं जुड़े होंगे उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाएगा, यानी कि अब कोई ऐप सिस्टम के अंदर रहकर ही लोन दे पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने अभी हाल में ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने अपने ऐप के लिस्ट शेयर करने को कहा था। माना जा रहा है कि RBI नए सिस्टम को तेजी से इंप्लीमेंट करने पर काम करना शुरू कर देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले RBI की ओर से कुछ फर्जी लोन बांटने वालों पर भी कार्रवाई की गई थी। बिहार के रीत ने जीता मिस इको टीम 2023, बनी पहली बिहारी। राजस्थान के जयपुर में स्टार प्रोडक्शन की तरफ से आयोजित मिस इको टीन प्रतियोगिता 2023 में बिहार के सारण के मसरक थाना क्षेत्र के बढ़िया टोला गांव निवासी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की बेटी रीत ने जीत हासिल की है और इस जीत के बाद रीत बिहार की पहली ऐसी लड़की बन गई है जिसने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल किया हो। बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से कुल 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिनकी उम्र 14 से 19 वर्ष तक थी। वहीं रीत मयूर सिंह अब 2024 में मिस्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसमें पूरे विश्व से राष्ट्रीय स्तर के विजेता लोग प्रतिभागी बनेंगे। रीत की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार और गाँव में खुशी का माहौल है। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर राजेंद्र प्रसाद को मिली बड़ी राहत। उच्च न्यायालय पटना के जस्टिस राजीव राव के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर राजेंद्र प्रसाद के जमानत याचिका पर सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें नियमित जमानत देते हुए बड़ी राहत दे दी है। बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उन्हें 5-5 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड उन्हें देने हैं और साथ ही उनका पासपोर्ट भी जब्त रहेगा। उन्हें निचली अदालत के समक्ष जब भी बुलाया जाएगा उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अधिवक्ता ने बताया कि
कि उन पर मगध विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर रहते हुए ओएमआरसी किताबें प्रश्न पत्र व अन्य सामग्रियों की खरीदारी में अनियमितता बरतने का आरोप लगा था। ये धनराशि 20 करोड़ रुपए की बताई गई। उन्होंने बताया कि वे फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। पटना म्यूजियम जल्द दिखेगा नए रूप में। पटना में कई तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी में स्थित पटना संग्रहालय का भी विकास कार्य किया जा रहा। बता दें कि बहुत जल्द लोगों को पटना संग्रहालय का नया रूप दिखने वाला है। दरअसल पटना म्यूजियम में अब बिहार के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराया जाएगा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह काम अब आधुनिक और नई तकनीक के उपयोग से किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य का इतिहास नए इंटरैक्टिव स्क्रीन के माध्यम से समझाया जाएगा। मालूम हो कि पटना संग्रहालय का विकास कार्य 158 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और यह काम लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि म्यूजियम में 6 गैलरी भी बनाई गई है, जिसके जरिए गंगा की कहानी से लेकर पाटलिपुत्र के सामाजिक बातों को भी जानने का मौका मिलेगा। राहुल संकृत्यान द्वारा तिब्बत से लाई गई पांडुलिपियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुका स्टंटबाजों का कारनामा। कुछ दिनों पहले ही हंटर क्वीन के नाम से हो रहे वायरल वीडियो वाली लड़की को बाइक से स्टंट करने के चक्कर में पुलिस के द्वारा 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और बाइक का 1 साल का रजिस्ट्रेशन भी खत्म किया गया था। वहीं अब एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा जो सानिया राइडर के नाम से है। इस वीडियो में बिना हेलमेट के दो लड़की आगे का चक्का उठाकर अपनी सहेली को पीछे बैठाकर गाड़ी चला रही हैं। वहीं इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग खड़े हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार के द्वारा कहा गया कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। मलमास मेले में उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश ने अपनी नाराजगी पर दिया बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 1 बजे राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर 1:30 बजे ब्रह्मकुंड परिसर में पूजा अर्चना की और फिर सरस्वती कुंड परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी इच्छा राजगीर आने की हो रही थी, इसलिए हम विपक्षी पार्टी के मीटिंग में से जल्दी निकल आए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नाराजगी की खबर मीडिया की उपज है, मीडिया पर उधर के लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, हमारा थोड़ा बहुत छापेंगे और उधर अंड बंड आएगा वही छाप, लेकिन चुनाव के बाद मीडिया वाले स्वतंत्रता से काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि ब्रह्मकुंड से श्रीकुंड तक फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजगीर में हमने बहुत काम किया है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। विधानसभा मार्च में हुए लाठीचार्ज की रिपोर्ट सौंपी गई जेपी नड्डा को। बीते 13 जून को बीजेपी के द्वारा किए गए विधानसभा मार्च में पटना पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज और एक नेता की मौत को लेकर बीजेपी के द्वारा 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जो इस मामले की जांच कर रहे थे। वहीं अब यह जांच पूरी हो चुकी है और तैयार की गई रिपोर्ट टीम के द्वारा जेपी नड्डा को सौंप दी गई है, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस मैनुअल पर बिना ध्यान देते हुए कमर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत ज्यादा चोटिल लोगों के नाम से उनकी हालत की जानकारी देते हुए उनकी आंखों देखी बातों के आधार पर कहा गया कि पुलिस के द्वारा यह मंशा पहले ही बना ली गई थी। इन सब के अलावा इस रिपोर्ट में 771 घायलों की सूची भी जोड़ी गई है और कहा गया है कि लाठीचार्ज के दौरान हुई भगदड़ में भी कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही भगदड़ में जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हुई है। रिपोर्ट में उनके गीले होने, कपड़े फटे होने और गिरने के बाद मौत होने की बात लिखी गई है। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत। ढाका में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा 108 रनों से जीत हासिल की गई। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के द्वारा 50 ओवर में 228 रन बनाए गए, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम के द्वारा इस रन का पीछा करते हुए महज 120 रन ही बनाया गया, जिसके बाद भारत को जीत मिल गई। बता दें कि भारत को यह जीत 22 साल की खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से मिली है, जिसने अपने बल्ले से 78 गेंदों में 86 रनों का योगदान दिया और उसके बाद उन्होंने गेंद से कहर बरपाते हुए 19 गेंदों पर महज 3 रन देकर 4 विकेट चटकाए। बता दें कि इस मैच में बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर चोटिल हो गई थी। मालूम हो कि पहले मैच में टीम इंडिया को 40 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। माधव राव 1761 में प्रथम पेशवा बने। बंगाल के पहले विभाजन को 1905 में भारतीय सचिव ने मंजूरी दी। तिस्ता नदी के जल बंटवारे पर 1997 में भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ। यू आर राव भारत यूनिस्पेस 3 अंतरिक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित। स्पेन में प्रथम बौद्ध स्तूप का उद्घाटन 1999 में हुआ। रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 1929 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का जन्म 1969 में हुआ।
हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तथा प्रतिभाशाली अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 1950 में हुआ था। सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का जन्म 1820 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार तथा तबला वादक शांता प्रसाद का जन्म 1921 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन 1965 में हुआ था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन 1966 में हुआ। असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा का निधन 1922 में हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आधिकारिक अकाउंट होने का दावा कर रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आधिकारिक अकाउंट इसरो इंस्टाग्राम पर isro.dos है। प्रामाणिक जानकारी के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट https://isro.gov.in पर जाएं। फेसबुक ने वीडियो से जुड़े नए फीचर किए पेश। फेसबुक यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब फेसबुक यूजर्स एक ही स्थान से छोटे और लंबे वीडियो बना सकते हैं। यहां आपको बता दें कि मीटा इन टूल्स को मीटा बिजनेस सूट यूजर्स के लिए पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। कंपनी इसके अलावा एक्स्ट्रा एडिटिंग सुविधाएं जैसे स्पीड एडजस्टमेंट, क्लिप को फ्लिप या चेंज करने की क्षमता जारी कर रही है। साथ ही मीटा रील्स पर एसडीआर वीडियो के लिए भी सपोर्ट देने, जिसमें वीडियो अपलोडिंग और प्लेबैक करने की घोषणा की है। वहीं फेसबुक के लेटेस्ट अनाउंसमेंट में ऑडियो के लिए फेसबुक सही ऑडियो ट्रैक सर्च करना, शोर कम करना और वीडियो के टॉप पर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना आसान होने जा रहा है। ट्रैक क्रंच की खबर के मुताबिक फेसबुक अपने वॉच टैब को वीडियो में भी रिब्रांडिंग कर रही है। यूजर्स एक से दूसरे वीडियो पर जाने के लिए वर्टिकल तौर पर स्क्रॉल कर सकेंगे। मेटा ने कहा है कि वीडियो सेक्शन एंड्रॉइड ऐप पर टॉप बार पर और iOS ऐप के निचले बार पर होगा। वीडियो के इस वीडियो फोकस्ड फीड के अलावा यूजर्स सर्च बटन के पीछे एक एक्सप्लोर पेज तक पहुंच सकेंगे। अब यूजर इस पर टैप करेंगे तो उन्हें इससे जुड़े छोटे और लंबे वीडियो के साथ अलग अलग हैशटैग और सब्जेक्ट दिखाई देंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला सवाल, ऑपरेशन सर्दन रेडनेस 2023 में हाल में ही किसने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए डीएन मुखर्जी, ऑप्शन बी गिरीश कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी INS सुनायाना, ऑप्शन डी गोपाल कृष्णन के। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी INS सुनायाना। अगला सवाल, कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? ऑप्शन ए ऑयल इंडिया, ऑप्शन बी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी गहन ऊर्जा संसाधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ONGC। अगला सवाल, बिहार से प्रकाशित होने वाले पहले हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए सर्च लाइट, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी सर्वहितैषी, ऑप्शन डी सदा एआम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वहितैषी। अगला सवाल, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन सी ढाका नहर, ऑप्शन डी त्रिवेणी नहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिवेणी नहर। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संतोष कुमार चौरसिया, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, गोनर शर्मा, उमेश श्रीसिदेव, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, मुटू रंगीला, राम सरन, नुन्नू गोलू कुमार, सरदानंद झा, रंजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रघुनंदन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
बिहार की राजधानी पटना में आपने कौन कौन से पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।